दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स के ज्ञान पर। दोस्तों आज है 14 मई, एक बार फिर से हम आपके लिए 6 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, DSSSB अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत 7,000 से ज्यादा खाली पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साथ साथ अन्य विभागों के अंतर्गत भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां होने जा रही है, किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 6 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी भर्तियों के लिए आप यहीं से आवेदन कर सकते हो। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है TGT असिस्टेंट टीचर, जूनियर सेक्रेटरी, असिस्टेंट LDC, काउंसलर, हेड क्लर्क पटवारी की। टोटल 7,236 वैकेंसी निकली है। सैलरी की जानकारी आप पोस्ट वाइज नोटिस से ही चेक कर सकते हो। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 27, 21 से 27 और कुछ पोस्ट के लिए मैक्सिमम 30 और 32 वर्ष है। UREWS OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 एप्लीकेशन फीस है। SC ST PH वोमैन EX सेल्समैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर SBI चालान से ऑफलाइन। सिलेक्शन होगा 1 टीयर और 2 टीयर एग्जामिनेशन स्कीम के आधार पे। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की भी कंप्लीट जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया से। मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है DSSSB.Delhi.gov.in या फिर DSSSBonline.NIC.in, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 25 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 24 जून 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 24 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस, प्रोग्रामिंग और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट पासा की। वेरियस पद यहाँ पर खाली है। सैलरी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 20,000 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 16,000, पासा के लिए 10,000 है। बात अगर योग्यता की जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट से भी आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयु सीमा तय की जाएगी। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा मेरिट से, बिना एग्जाम की ये भर्ती है। ऑफलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। NMDC.co.in पोर्टल से बाकी की जानकारी चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 15 जून 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में। PGCIL के अंतर्गत भर्ती है, बिजली विभाग के अंतर्गत भर्ती निकली है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है, वेरियस पद खाली है। 60,000 से 1,80,000 सैलरी है। LLB से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 28 वर्ष आयु सीमा है। SC ST PWD और EX सेल्समैन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है, जो कि आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा सेलेटी 2021, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पे, बिना एग्जाम की भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। powergridindia.com पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मई 2021 है। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में, NLC के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है नर्स, डायलिसिस टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, मेल नर्सिंग असिस्टेंट, फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट और इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन की। वेरियस पद खाली है। सैलरी नर्स, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन के लिए 23,500 प्रति माह के लिए है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 26,000 प्रति माह के लिए है। मेल नर्सिंग असिस्टेंट, फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 16,500 है। योग्यता की बात की जाए तो 12वीं पास, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BSc डिग्री इन इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, BPT या MPT डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 58 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। nlcindia.com पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि 12 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 मई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में BEL के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है ट्रेन इंजीनियर फर्स्ट की, वेरियस पद खाली है। 25,000 रुपये सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। BBTEC से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 25 वर्ष आयु सीमा है। SC ST PWD के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऑल अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपये आवेदन शुल्क है, जो कि आप SBI क्लर्क से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पे, बिना एग्जाम के भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बेंगलोर कर्नाटका जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। BL-India.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 12 मई 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 मई 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 मई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, 6-7 चयन बोर्ड में ये भर्ती निकली है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, TGT PGT की भर्ती है। लास्ट डेट एक बार फिर से इसकी एक्सटेंडेड कर दी गई है। 15,198 पद है। यहाँ पर TGT के लिए 12,603 है, मेल के लिए इसमें 11,195 है, फीमेल के लिए 1,408 है। PGT के लिए 2,595 है, मेल के 2,281 पद है, फीमेल के 314 पद है। TGT के लिए 44,900 से 1,42,400 सैलरी है। PGT के लिए 47,600 से 1,51,100 है। बात अगर योग्यता की जाए तो TGT के लिए 12वीं पास, साथ में ग्रेजुएट डिग्री और BEd BTC से आप अप्लाई कर सकते हो। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री साथ में BEd से आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 21 वर्ष आयु सीमा है। TGT के लिए एप्लीकेशन फी जनरल OBC के लिए 750 है, SCEWS के लिए 450, ST के लिए 250 है, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। PGT के लिए भी जनरल OBC के लिए 750 है, EWS के लिए 650, SC के लिए 450, ST के लिए 250 है, ऑनलाइन ही आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UP उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। upscssb.org या फिर pariksha.up.nic.in पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो। लास्ट डेट एक बार फिर से इसकी एक्सटेंडेड कर दी गई है। इस भर्ती के लिए आप 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट भी आप 18 मई तक कर सकते हो। फाइनल सबमिशन की भी 20 मई 2021 लास्ट डेट कर दी गई है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी के 14 मई 2021 की टॉप 6 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।